तो आज हम आए थे जेओटो रामा रोड के वेरिएंट कंफ्यूज कर देते हो आजकल Z2 है अब तो Z8 तक भी ले आते हो पता ही नहीं लगता। फॉग लाइट लगा दी हमने। ठीक है फॉग लाइट ओरिजिनल जेन्युइन महिंद्रा 10,000 रुपए। ग्रिल क्रोम 3,000 रुपए। 7 स्लॉट ग्रिल। अलॉय व्हील महिंद्रा की ओरिजिनल। बेस टू टॉप वाले भाइयों के लिए 46,000। डोर हैंडल 5500। कलर भी नहीं आता ये तो होम करके दिया ठीक है। और रिक्वेस्ट सेंसर के साथ एक्टिव नहीं है पर साइड मिरर भी हमारा चेंज हो चुका है देख सकते हो आप। ये लॉक फोल्ड हो गया अनफोल्ड हो गया ठीक। वाइपर एक्टिवेट 7,000 रुपये। तो वाइपर चल चुका है। तो ये रहा वाटर स्प्रेयर की फेवरेट चीज AB पिलर हैंडल। या तो ये भी इंस्टॉल करा है Z2 वेरिएंट के अंदर नहीं आता। जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है टोटली चेंज कर दिया। क्या ये OEM नहीं है होता OEM टाइप होता है एंड्रॉइड होता है। हाय गाइस वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम आए थे जेओटो रामा रोड। ठीक है और आए नहीं थे आ चुके हो। आ चुके हैं अब जाने का टाइम हो चुका है पर गाड़ी दिखा के जाएंगे। ठीक है वेरिएंट कंफ्यूज कर देते हो आजकल। Z2 है अब तो Z8 तक भी ले आते हो पता ही नहीं लगता कुछ पता ही नहीं चल पाता। सिर्फ हेडलाइट तो छोड़ दो वो भी हेडलाइट हम इसलिए छोड़ देते क्योंकि विजन ही नहीं है उस वाले में। ब्राइटनेस नहीं है Z8 वाली में बिल्कुल ही नहीं। अगर अच्छी विजन चाहिए आपको अच्छी ब्राइटनेस चाहिए आपको तो इसमें LED सेटअप डालना होगा। ठीक है LED हमने दो पेयर इंस्टॉल करे हैं बिल्कुल। अब तो Z8 वाले भाई भी हेडलाइट अपनी उतरवा करके ये वाली हेडलाइट डलवा रहे हैं और LED डाल रहे हैं या फिर हेडलाइट कस्टमाइज करवा रहे हैं। ठीक है तो अभी बेटर ऑप्शन है LED इस पे लगा लो। LED है अगर बजट, अच्छा बजट है तो फिर आप हेडलाइट फिर कस्टमाइज करवाओ प्रोजेक्टर वाले। हाँ ठीक है तो नीचे फॉग लाइट भी लगाइए। हाँ फॉग लाइट लगा दी हमने। ठीक है फॉग लाइट ओरिजिनल जेन्युइन महिंद्रा बस 10,000 रुपए। 10,000 कंप्लीट फिटिंग करके बेस टू टॉप वाले भाइयों के लिए। अगर आप सिर्फ फॉग लाइट लगवाने आते हो तो 14,500 रुपए लगेगा। मैं बार बार वीडियो में इसलिए बोलता हूँ क्योंकि कई लोग फोन करके परेशान करते हैं कि आपने वीडियो में 10,000 रुपए बोल रहे हो। 10,000 रुपए बेस टू टॉप वाले भाइयों के लिए। ठीक है ग्रिल क्रोम 3,000 रुपए। 7 स्लॉट ग्रिल। हाँ जी ठीक है 3,000। नीचे क्या आप स्कीड सिल्वर देखोगे ना ये थ्री लेयर पेंट वाला है। थ्री लेयर होता है ये 2,000 रुपए फ्रंट का। फ्रंट का 2,000 रुपए महीना दो महीने में बाद ही दिक्कत आ जाता है और ये तो हम लाइफ टाइम की गारंटी दे रहे हैं। ठीक है काम एक बार अच्छी करवाओ जो भी करवाओ। इसमें LED सेटअप जो मैं डालू ना LED सेटअप जो है 170 वॉट का कैनवस LED है जिसकी ब्राइटनेस बिल्कुल क्लियर आप देख सकते हो। इतनी लाइट के बीच में भी कितनी अच्छी विजन आने वाला है इसका आप देख सकते हो। ये पहली बात तो हमारे कॉम्बिनेशन से फोन है। ठीक है ये हमारा लो बीम का रिस्पांस देख लो और ये हाई बीम। ठीक है तो डबल हो गई हैलोजन से। हाँ कंपेयर करें तो ठीक है तो ये तो मैं आपको LED बता दिया आपको और रोशनी भी अच्छी LED पे ही आता है। चीज़ों को आपको ध्यान रखना है और अच्छी कंपनी की LED डालो अच्छी चीज़ डालो। ठीक है ये बम्पर प्रोटेक्शन कॉर्नर हो गया। जब भी हम गाड़ी की कटिंग करते हैं तो कॉर्नर हमेशा यहाँ पे डैमेज होता है जिसको सेफ्टी करने के लिए हमें ये लगाना पड़ता है। ठीक है जेन्युइन महिंद्रा है। हाँ जेन्युइन महिंद्रा है। अलॉय व्हील महिंद्रा की ओरिजिनल। बेस टू टॉप वाले भाइयों के लिए 46,000 नहीं तो 51,000 रुपये का 51 का आएगा। ठीक है वो देखो अब बाकी डिजाइन जो भी चीज़ आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है इसमें 17-18 दोनों मिल जाएगा सब चीज़ है। तो बेस्ट टू टॉप वाले भाइयों के लिए मैं बार बार आपको बता रहा हूँ और जो भी सामान लो आप इस चीज़ों को ध्यान देना कि महिंद्रा के प्रॉपर मिल रहा है या नहीं मिल रहा। बाजार में बहुत इस चीज़ों पे गलत हो रहा है मैं बोलना नहीं चाहूँगा बट आप समझ जाओगे कि रेट डाउन करके हमेशा लोकल माल दिया जा रहा है। चीज़ों पर ध्यान देना आपको बच्चे ने आपको मड फ्लैप देख सकते हो हमारा लग गया इसके अंदर। साइड का फुटरेस्ट देख सकते हो कॉर्नर टू कॉर्नर जो लगाए हैं महिंद्रा का ओरिजिनल है सही है। और इसकी जो कॉस्ट आता है बस 5,000 रुपये कॉस्ट आता है। हाँ 5,000 रुपये कॉस्ट आता है। इसमें 5480 रुपये समथिंग MRP आता है जिसको हम 10% का डिस्काउंट करते हैं तो फिटिंग करके 5,000 रुपये फ्लैट रेट इसका रखे हुए हैं। ठीक है ये मैंने जो साइड का आपको 1200 रुपये बताया था थ्री लेयर ये है हमारा देख सकते हो आप। ठीक है ये हो गया हमारा डोर हैंडल 5500। कलर भी नहीं आता ये तो होम करके दिया अलग से। ठीक है और रिक्वेस्ट सेंसर के साथ एक्टिव नहीं है पर पांचों डोर में लग गया है हमारा। ठीक है लोअर गार्निश आप देख सकते हो ये रिप्लेसमेंट हो चुका हमारा। ठीक है फोर डोर ये फोर डोर और ये पेस्टिंग हुआ है यहाँ पे क्वार्टर ग्लास ऑप्शन इसका भी है। ये रिप्लेसमेंट आप करवा सकते हो बिल्कुल सेम विजन चाहिए तो। ठीक है सेम डिफरेंस आपने दिखा रखा है पहले हाँ। भी और हमारे डोर वाइजर लग गया हुआ देख सकते हो स्कॉर्पियो एन हाईलाइट वाली है। ठीक है एन देखो रेड हाईलाइटेड। 5500 रुपये में आपको रूफ रेल देने वाला हूँ जो प्रॉपर फिटिंग के साथ।
ठीक है, प्रॉपर फिटमेंट, बोल्ड फिटमेंट वाली है। बिल्कुल, साइड मिरर भी हमारा चेंज हो चुका है, देख सकते हो आप, ये लॉक फोल्ड हो गया, अनफोल्ड हो गया। ठीक है, कोई ऑप्शन नहीं आता था। चाबी भी बना करके दिया हूँ, कोडिंग करके दिया, कोडिंग करके 3000 रुपये कॉस्टिंग में। ठीक है, यहीं पे। और भैया बेस्ट टू टॉप वाले भाइयों के लिए गिफ्ट दिया, एक कवर की कवर गिफ्ट दिया भैया को। हाँ ठीक है, देख सकते हो कितना प्यारा लग रहा है, आपको भी मिल जाएगा बेस्ट टू टॉप कराने आओगे तो। बिल्कुल, इसके साथ और भी कुछ मिलेगा। ठीक है, तो साइड का लुक तो हमने दिखा दिया, एक बार बैक से भी दिखा दिया। बैक साइड में अगर हम आते हैं तो बेस्ट बैक साइड में डी फॉगर छोड़ के टॉप मॉडल वाला सारा काम हुआ है। ठीक है, ऑलमोस्ट स्टार्ट करते हैं हम स्पॉइलर। ठीक है भैया, प्रॉपर तरीके से हुआ फिटिंग, 6500 रुपये खर्चा, 6500 महिंद्रा की जैनुअन प्रॉपर फिटमेंट के साथ आप देख सकते हो। ठीक है, वाइपर एक्टिवेट 7000 में, 7000 में बस। हैंडल में आपको बता चुका हूँ, बम्पर की क्रोम हम इसमें ऐड ऑन कर दिए, देख सकते हो आप। ठीक है, नीचे स्कीड सिल्वर। ठीक है, थ्री लेयर वाला। बिल्कुल, बैक साइड में हम कैमरा इंस्टॉल कर चुके हैं यहाँ पे। ठीक है, तो आप चाहो तो इसमें ये जो क्लैडिंग्स वगैरह, ये भी पियानो ब्लैक वगैरह, इस सबको आप ब्लैक करवा सकते हो, अपना मॉडिफिकेशन अलग लेवल के चाहते हो तो। ये बेस टू टॉप में यही चीज लगता है। ठीक है, बेस टू टॉप करा है बस, और एडिशनल कुछ भी नहीं है, एडिशनल ज्यादा कुछ नहीं है इसके अंदर। ठीक है सही है, ये तो हमारा का ओवरऑल बाहर का सारा काम। ठीक है, टेल लाइट मिल जाएगी हमें। हाँ, मैट्रिक्स वाले इसमें आया हुआ है टेल लाइट, जो हम कई वीडियो में दिखा भी रखे हैं, स्कैनिंग मोड वाला, अगर आपको चाहिए तो ले सकते हैं आप। ठीक है, तो एक बार वाइपर की वर्किंग दिखा, वाइपर की वर्किंग आपको मैं चेक कराता हूँ किस तरीके से वर्क रहने वाला, प्रॉपर वाटर स्प्रे के साथ। तो वाइपर चल चुका है, तो ये रहा वाटर स्प्रेयर। ठीक है, ये वाटर जैसा अपर वेरिएंट्स में काम करता है, सेम एग्जैक्ट का सेम मिलेगा। ठीक है, ऑटो कट फंक्शन के साथ। बिल्कुल ठीक, तो आज अंदर कुछ करा है अलग कलर, टॉप मॉडल। ठीक है, एकदम टॉप मॉडल वाला, टॉप मॉडल, और इसमें कस्टमाइज सीट नहीं रहने वाला, इसमें बकेट सीट कवर रहने वाला, मैं पहले आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इसके अंदर डोर पैनल से क्या क्या चेंजेस कर रहा है, इसमें सॉफ्ट टच। ठीक है, सॉफ्ट टच करा हुआ हमने, प्रॉपर तरीके से रिप्लेसमेंट पार्ट हमारा विद स्विच के साथ हो गया। सही है, ठीक है, ये लीवर हो गया हमारा टॉप मॉडल वाला, डी हैंडल हो गया। ठीक है सही है, डोर पैनल में यही, इसके अंदर एक टूटर सेस की कमी रह गया, बाकी मैं अंदर जाकर दिखाता हूं कि फेवरेट चीज एबी पिलर हैंडल मेरा फेवरेट बन चुका है, पहले तो नहीं था बट अब बन चुका है। ठीक है, तो ये भी इंस्टॉल करा है, Z2 वेरिएंट के अंदर नहीं आता, नहीं आता, और मेनली गाड़ी खरीदने के बाद सबसे पहले रिक्वायरमेंट होती है सीट कवर्स। ये देखो, ये सीट कवर है, ये हमारी बकेट फिटिंग सीट कवर है, नॉट कस्टमाइज। ठीक है, बकेट फिटमेंट वाली है। हाँ, बकेट फिटिंग सीट कवर आप देख सकते हो कैसी फिटिंग है। ठीक है, ये फिटमेंट हमें मिलती है, तो कंपेयर हमने करा रखा है कस्टमाइज, और इसमें फर्क आता है, आता है। ठीक है, और मैं जो आपको ये बकेट फिटिंग करके दे रहा हूँ सीट कवर, मैं गारंटी देता हूँ कोई कस्टमाइज में भी ऐसी फिनिशिंग नहीं देगा। ठीक है, तो एक बार बैक सीट की भी फिटमेंट दिखा देते हैं हम, तो बैक सीट से आपको क्वालिटी ऐसी कुछ मिलने वाली है, ये देख सकते हो, ये फिटमेंट है, ऑलमोस्ट बेटर है बाहर और लोगों से। बिल्कुल, हेडरेस्ट की फिटिंग आप देख सकते हो। ठीक है, हेडरेस्ट की फिटमेंट भी देखो, एग्जैक्ट है, इसमें चेन आता है जो कस्टमाइज है, उसमें चेन नहीं आता, उसमें चेन नहीं आता। ठीक है, दोनों ऑप्शन है आपके पास, दोनों में से कुछ भी करवा सकते हो। बाकी आर्म रेस्ट वगैरह की भी फिटिंग दिखा देते एक बार। ठीक है, रिंकल इसमें भी नहीं है, कहीं पे भी आपको रिंकल नहीं मिलेगा। अगर आपको सीट कवर में रिंकल मिल गया तो सीट कवर में मजा आ गया। ठीक है, तो चामुंडा भैया बकेट फिटिंग में भी रिंकल नहीं देते, नहीं देता मैं। तो अब अंदर से अब दिखाएंगे हमने क्या क्या चेंजेस कर रखा है। तो सबसे पहले स्टीयरिंग कवर की बात करें, इसके अंदर हमें स्टीयरिंग कवर भी नहीं मिलता। स्टीयरिंग कवर आपको देख सकते हो मोन डिजाइन वाला लग गया। ठीक है, साथ में अगर ये हमने जो दोनों बटन लगाए, 127 लग्जरी वाला लगा दिए। ठीक है, 1700 हमारे बटन होता है स्टूडियो फंक्शन के लिए काम करता है, और ये जो बटन होता है हमारा MID वर्किंग, जो आप देख सकते हो मीटर में काम कर रहा है। ठीक है, ये हो गया हमारा, सही है। अगर आप चाहते तो यहाँ पे सिल्वर लगवा सकते हैं, इस गाड़ी में नहीं लगाया हमने। ठीक है, तो भैया को ब्लैक का टच चाहिए था। एसी विंड हमने सिल्वर कर दिए, देख सकते हो साइड में लेदर टच करने के बाद। ठीक है, ये वाला जो ट्रिम है ये पूरा हमने लेदराइट करा हुआ है, देखो व्हाइट फिर हमने इसमें एसी विंड लगाया। ठीक है, तो इसमें जो ये वाला पार्ट है ये पूरा लेदराइट है। ठीक है, ये मैं कह रहा हूँ ये हो गया गाड़ी के टॉप मॉडल वाले लुक। आप देख सकते हो, आपको ये वाली कलर अच्छा लग रहा हो तो आप लगवा सकते हैं। ठीक है, ब्राउन भी बहुत लोगों की डिमांड होती है, बट क्या होता है कि अगर आप इसको थोड़ी सी अलग कलर में लेकर के जाते हैं तो कुछ ज्यादा ही अलग लुक आता है। ठीक है, क्योंकि ये बहुत बोरिंग कलर हो चुका है। हाँ, कि मोस्टली अब प्रेफर आइस ग्रे वगैरह कर रहे हैं सबसे ज्यादा, और मैंगो कलर का जो अपना इंटीरियर था। बिल्कुल ठीक है, और आर्मरेस्ट भी देखो सॉफ्ट टच करा हुआ है हमने। ठीक है,
टॉप मॉडल का तो लगाते भी नहीं है कोई। हाँ कोई नहीं, उसमें सॉफ्टनेस नहीं होता उतना। ठीक है, तो बात करें ये जो सेंटर कॉन्सोल है, ये पूरा हमने पियानो ब्लैक कर दी, वो भी स्पार्कल वाला देख सकते हो। ठीक है, स्पार्कल वाला, ये स्पार्कल वाला, उसकी फिनिशिंग चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, ये देखो, एक होता है सस्ता वाला हाइड्रो डिप जिसमें आपको होता है, लोग करते हैं थोड़ा थोड़ा पैसे बचाने के लिए। कई ग्राहक हमें बोलते हैं कि सर आपको थोड़ी सी प्राइस हैवी है, कैसे महंगा है, बट हम काम की क्वालिटी देते हैं, कभी भी हम प्राइस पे नहीं जाते, हम काम की क्वालिटी भी जाते हैं। आप अपनी काम की क्वालिटी अच्छा रखो, ग्राहक खुद आता चल गया। थोड़ी बहुत हम पैसे फालतू लेते हैं, बट काम की क्वालिटी हम आपको जो दे रहे हैं, वो काम की क्वालिटी आपको नहीं मिलने वाला कहीं। कोई वीडियो पे ऑन वीडियो नहीं बोलता कि हमारी प्राइस ज्यादा है, बट काम की क्वालिटी कंपेयर करोगे तो आपको पता लगेगा जो हाँ जेटो वाले भाई काम दे रहा है उस लाइक। ठीक है, साथ ही साथ इसमें जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है टोटली चेंज कर दिया स्क्रीनों पे, वो भी ऑक्टा कोर डिस्प्ले के साथ है। इसका जो प्रोसेसर ऑक्टा कोर है, ठीक है, नॉर्मल प्रोसेसर वाले हम नहीं लगाए, कभी हैंग होने के मतलब ही नहीं बनता है। ठीक है, ये OEM नहीं है, होता OEM टाइप होता है, एंड्रॉइड होता है, होता है। इसमें आप 5G सिम स्लॉट भी लगा सकते हैं। ठीक है, इसमें आप ये विद सिम वाला है ऑप्शन है, इसमें अगर आप हॉटस्पॉट डाल दीजिए, नहीं तो निकाल दीजिए, हमने यहाँ पे डाल दिया। ठीक है, इसमें अगर आपको सिम इसके अंदर डालना है, हॉटस्पॉट नहीं बनाना बार बार, तो इसमें सिम भी डाल सकते हैं। बाकी इसमें 360 सपोर्टेड वाला ही है ये। हाँ है, बट इसमें अभी हम रेयर कैमरा ऑन किए। ठीक है, रेयर कैमरा ऑन करा, एक बार क्वालिटी दिखा देते। ये देखो, ये वाइड एंगल कैमरा है, प्रॉपर आपका कॉर्नर टू कॉर्नर। ठीक है, कॉर्नर पूरा एग्जैक्ट दिखाता है इसके अंदर। बाकी फंक्शन की बात करें तो हमने दिखाई रखा है, इसमें होम बटन वगैरह सारी चीजें आपको OEM लुक में मिल जाएगी। बाकी इसमें यूट्यूब प्ले स्टोर वगैरह सारी चीज आपको मिल जाएगी, सारे फैसिलिटीज में आपको मिलने वाला है, कार प्ले वगैरह सब वायरलेस चलेगा। ठीक है, वीडियो भी देख सकते हो इसमें, पिक्चर की क्वालिटी कैसी है। ठीक है, क्वालिटी देखो आप, मैं आपको साउंड नहीं सुना सकता कॉपीराइट की वजह से, आप इसका पिक्चर क्वालिटी देखो। और देखो इतने लाइट सेटअप में भी आप देखो ब्राइटनेस वगैरह, अगर आप कोई भी साइड से देखोगे ना, ये किसी भी साइड से आप देख सकते हो। ठीक है, कहीं से भी आपको ब्लैक फील नहीं होगा। ठीक है, यही है, बाकी क्वालिटी हमने दिखा दी इसकी। तो इसके बाद चामुंडा भैया, अपने पास इलेक्ट्रिक सीट चाहिए हो मिल जाएगा, बाकी सनग्लास होल्डर की बात कर लेते हैं हम। ठीक है, ये रोशनी देख लो, अगर हम नहीं लगाते तो ये फील मिलने वाला आपको। Z8 में थोड़ी सी लाइट इसमें आ जाता है, सही है, Z4 में बिल्कुल नहीं आता, Z2 में। ठीक है, मेन अगर आपको ये वाली चाहिए, ये लो 75 वोल्ट और ये लो 75 वोल्ट। ठीक है, 150 वोल्ट। ठीक है, कुछ इसके अलावा अगर हमें सनरूफ वाला चाहिए, जो अपने Z6 वेरिएंट में 150 वोल्ट नहीं आता उसमें, उसमें ठीक है, उसमें इतने लाइट सेटअप नहीं मिलने वाला जितनी ब्राइटनेस इसमें मिल गई हमें। और हमारा ए बी पिलर लगने के बाद तो गाड़ी की लुक ही अलग है। ठीक है, दोनों साइड है, दोनों साइड मिलता है। ठीक है, तो इसके अलावा आप एक सेंटर स्पीकर भी लगवा सकते हैं, सेंटर स्पीकर डाल सकते हैं आप। ठीक है, इधर हमारा वैनिटी मिरर लगा सकते हैं। ठीक है, विद लाइट भी इंस्टॉल हो जाएगी वो, बिल्कुल। ठीक है, तो काफी ज्यादा हो सकता था, तो भैया ने एक बेसिक जो चाहिए होती है Z2 में, इनको Z8 की लुक चाहिए था और गाड़ी के अंदर बैठने वाला Z8 वाली फील चाहिए था, ज्यादा नहीं चाहिए था, इसलिए इन्होंने मीटर के पियानो भी नहीं करवाए हैं। अब जो Z8 आ रहा है उसमें कंसोल पियानो वाले, तो इन्होंने पियानो करवा लिए हैं। ठीक है, बाकी इंफोटेनमेंट सिस्टम कह रहे थे Z8 वाली चाहिए, बट उसमें इंस्टॉल हो नहीं सकता, बिल्कुल सेम अच्छी क्वालिटी के मैंने इसमें लगा करके दे दिया। ठीक है, बात करें तो बहुत कमेंट आते हैं कि इसका मीटर चेंज करो, मीटर पॉसिबल नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। ठीक है, बहुत सारे क्वेरीज आती है कि पडल लैंप इंस्टॉल करो चामुंडा भैया, या कुछ कुछ नई नई चीज है। ठीक है, तो बहुत जल्दी दिखाएंगे, अभी थोड़ा डिले चल रहा है। ठीक है, तो बहुत जल्दी कुछ ना कुछ नया दिखाएंगे जरूर इसमें, बिल्कुल दिखाएंगे। ठीक है, तो एक बार फीडबैक ले लेते हैं कस्टमर का, एक बार कस्टमर का फीडबैक लेते हैं, उनको काम कैसा लगा, क्या लगा, उनसे पूछ के देखते हैं। और उनको काम अच्छा लगा तो आप लोग भी आ सकते हैं काम करवाने, और कहाँ पे आना अभी हम लास्ट में बताते हैं। फाइनली कंप्लीट हो गई अपनी Z2, तो अपने साथ ओनर है, उनका नाम जानते हैं सबसे ज्यादा, मानवेंद्र सिंह। मानवेंद्र सिंह, आप आए कहाँ से? हरिद्वार से। हरिद्वार से इतनी दूर से सफर करके आए, आपको पता कैसे लगा Z8 पे ही जाना है? अब आपकी वीडियो इतनी वायरल हो रखी है ना हर जगह, तो सबसे ज़्यादा तो यूट्यूब से हर जगह से देख देख के। ये तो सर आप लोगों की प्यार मोहब्बत है जो आप वायरल कर दिए स्पेशली हरिद्वार से आपके वीडियो देख के, और जैसा देखा था वैसा काम किया आपने, आई एम वेरी सेटिस्फाइड। कुछ कमी नहीं, सारे पार्ट जेन्युइन महिंद्रा मिले आपको यहाँ? हाँ बिल्कुल, सब पैकिंग सामने खोली गई। काम के क्वालिटी, स्टाफ के बिहेवियर, काम करने का तरीका कुछ गलत लगा? सब बढ़िया, सब सब बढ़िया लगा। ओवरऑल एक रेटिंग ले लेते हैं, अगर 10 में से रेटिंग मांगता हूँ 10 में से कितना? 10 10 10, आप और चीज में बढ़िया। थैंक यू सर। ठीक है, इन फ्यूचर आपका दोबारा मन करे तो आप विजिट करेंगे? अभी आ रहे हैं, बहुत जल्दी आ रहे हैं। बिल्कुल, आप कुछ कहना चाहोगे सर? बस आपका व्यवहार मुझे बहुत अच्छा लगा, अब व्यवहार देख के हम आए यहाँ। अच्छा, थैंक यू सर। ठीक है, जो भी हरिद्वार साइड से देख रहा है रिकमेंड करेंगे आप सबको? हाँ ठीक ठीक।
तो चामुंडा भैया कहाँ आना पड़ेगा? जय ऑटो रामा रोड कीर्ति नगर मेट्रो स्टेशन के पास है। मैं बार बार वीडियो में इसलिए बोलता हूँ कि करोल बाग आकर के लोग हमें फ़ोन करता है कि सर हम करोल बाग आ चुके हैं, आपको आना कीर्ति नगर, और आने से पहले हमसे लोकेशन लेकर के निकलो, प्रॉपर आप तरीके से आओगे और टाइम से पहुँचोगे, आपका काम टाइम से होगा। ठीक है, हाँ। तो स्क्रीन में फ्लैश हो रहा है रेट लिस्ट या कुछ भी हमारे से रह गया हो तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। लोकेशन चाहिए तो लोकेशन भी चामुंडा भैया दे देंगे आपको। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। ऐसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।